चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सर्वदलीय संसदीय समिति और कृषि कानून। सर्वदलीय संसदीय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं हाल ही में सरकार से, जो कि कृषि कानूनों से संबंधित है। तो इसी विषय के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि ये कृषि कानून कौन सा वाला कृषि कानून है जिसके बारे में सिफारिशें की गई हैं, और क्या क्या किस लिए की गई हैं, और रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है इत्यादि, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चर्चा में क्यों हंसे। संसद की खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति यानी कि संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखा है और उनका कहना है कि कृषि कानूनों में से एक कानून जो है, जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। ये चर्चा में इसलिए है कि इन तीन कृषि कानूनों का बहुत ही ज़्यादा विरोध भी हुआ था। 114 दिन तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये कानून जो है क्या आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये कानून है क्या आवश्यक। ये वाला जो कानून है तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में से एक है और इसे 26 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में इसके लिए संशोधन किया गया था। संशोधित कानून के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू सहित कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित किया जा सकता है, ये कहा गया है। और ये असाधारण परिस्थितियाँ क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए अचानक मूल्य में वृद्धि हो जाए, अकाल आ जाए, या फिर युद्ध हो जाता है, और कोई गंभीर प्राकृतिक घटना हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसी स्थिति में ही इन सारी खाद्य वस्तुओं का मूल्य को और इन खाद्य वस्तुओं को विनियमित किया जा सकता है। वास्तव में ये जो संशोधन है ये इन वस्तुओं को धारा 3 की उपधारा 1 के दायरे से बाहर लाता है और इससे केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की जो उनकी शक्तियां हैं उससे दूर करता है। तो बेसिकली ये है कि केंद्र की शक्तियों को थोड़ा कम करता है, इन सब की उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियों को ये थोड़ा कमज़ोर करता है। ये जो संशोधन हुए हैं ये सारे, ये जो नया कानून है उन शर्तों को भी निर्दिष्ट करता है जब भंडार सीमाएं लगाई जा सकती थी, यानी कि भंडार की सीमा से भी ये संबंधित है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो संसदीय समिति है इसने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या क्या है। इन संशोधनों को लागू करने से होगा क्या कि किसानों को उनकी उपज की अच्छी मूल्य मिलेगी, और अगर चीज़ों का रख रखाव अच्छे से होगा तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो बिजनेस भी फैलेगा। स्टॉक रखने के लिए हमें बहुत सारे गोदाम की ज़रूरत होगी, प्रसंस्करण केंद्र की ज़रूरत होगी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इससे किसानों की आमद भी बढ़ेगी और बिजनेसमैन की भी इसमें आमद बढ़ेगी, चीज़ों का निर्यात भी संभव हो पाएगा। तो ये संशोधन इसलिए आवश्यक बताए गए हैं। ये जो समिति की रिपोर्ट है ये लोकसभा में 19 मार्च को आई है और इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि ये संशोधन लागू होने चाहिए जिससे कि किसानों और संबंधित हितधारकों को इससे काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि वस्तुओं के अधिशेष की स्थिति में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हम जितनी किसानी करते हैं और जो जो उपजाते हैं वो सब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध है, और ऐसी स्थिति के अंदर कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी है जिसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। ये संशोधन लागू हो जाने से ये सारी कमियां दूर होंगी और किसानों को इससे फायदा होगा। तो ये जो कानून में संशोधन है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। तो ये 55 में संशोधन इसीलिए किया गया है कि 1955 में जब ये एक्ट आया था तो उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार आया था। आज इतने सालों बाद यानी कि लगभग 65-70 साल के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं, तो उसी के हिसाब से संशोधन की आवश्यकता भी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो समिति है, संसदीय समिति, इसके सदस्य कौन कौन है। इस समिति के अंदर 30 सदस्य हैं और 30 सदस्यों में 13 दल के लोग इसमें शामिल हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं और उनका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय।
13 दलों के अंदर सभी दल लगभग शामिल हैं, जिसमें आप, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, नागा पीपल फ्रंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, पीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी टीएमसी और वाईएसआरसीपी के एक एक सदस्य इसमें नामित हैं। यानी कि वो सारे दल इस समिति में मौजूद हैं जिन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया था, और उन्हीं कृषि कानूनों में से एक कानून के लिए इन्होंने सिफारिश की है कि इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आवश्यक वस्तु की परिभाषा क्या है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर जो आवश्यक वस्तु वर्ड यूज हुआ है उसकी परिभाषा क्या है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तु की कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन इसमें एक धारा है, धारा 2A, इसमें कहा गया है कि केंद्र जब चाहे किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची में डाल सकता है अधिसूची में, और जब चाहे निकाल सकता है, और जो वस्तुएं डली हुई होंगी उस सूची में उनको आवश्यक वस्तु समझा जाएगा। अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में एक वस्तु को जोड़ने और हटाने की शक्ति देता है, और जो वस्तुएं उसमें शामिल होंगी वो आवश्यक वस्तुएं समझी जाएंगी, जो नहीं होंगी वो नहीं समझी जाएंगी। केंद्र अगर संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना ज़रूरी है तो वो राज्य सरकार से परामर्श लेता है और उसी के परामर्श से किसी भी वस्तु को उस सूची में डाल देता है। तो ये इसको परिभाषित करने का तरीका होता है। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार जो अधिनियम को लागू करता है, यानी कि ये मंत्रालय इस अधिनियम को लागू करता है, वर्तमान में इस अनुसूची में 7 वस्तुएं बताई गई हैं। इन 7 वस्तुओं में शामिल है ड्रग्स, उर्वरक चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित किसी भी प्रकार का हो, खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ, कपास से बना धागा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट के वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज यानी कि खाने योग्य जो जितने भी फसल होते हैं उन सब के बीज, फल सब्जियों के बीज, मवेशियों के चारे के बीज, जूट के बीज और कपास के बीज, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। समय समय पर इसमें चीज़ें और ऐड भी की जाती हैं और हटाई भी जाती हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पाद, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। जब सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है, जैसे कि ये 7 वस्तुएं आवश्यक है, तो इनका उत्पादन, इनका जो है उत्पादन, इनका नियंत्रण, सारा नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है सरकार के, और स्टॉक सीमा लागू कर सकती है, ये उनके पास एक अधिकार आ जाता है। यानी कि सरकार ये तय कर सकती है कि इस पर्टिकुलर खाद्य को या इस पर्टिकुलर पदार्थ को किस लिमिट तक स्टॉक किया जा सकता है और किस लिमिट के बाद ये गैर कानूनी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि सरकार किन परिस्थितियों में स्टॉक लिमिट लगा सकती है, यानी कि वो कौन कौन सी स्थितियां या परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार तय कर सकती है कि इस खाद्य पदार्थ को या इस आवश्यक वस्तु को इस लिमिट तक ही स्टॉक किया जा सकता है, इसके बाद नहीं। 1955 के अधिनियम ने स्टॉक सीमा लगाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान नहीं किया था, और सरकार किन परिस्थितियों में स्टॉक लिमिट लगा सकती है ऐसा इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई थी। अभी जो संशोधित अधिनियम है ये कहता है कि कृषि खाद्य पदार्थों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित किया जा सकता है, इनकी स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है। इन असाधारण परिस्थितियों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ कि चाहे युद्ध हो जाए, अकाल हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या इसी तरह का कोई संकट आ जाए जिसमें कि ये विनियमित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्टॉक सीमा लगाने पर कोई कार्रवाई मूल्य ट्रिगर पर आधारित होगी, यानी कि स्टॉक सीमा लगाने की जो सरकार की कार्रवाई होगी वो किसी पदार्थ के मूल्य बढ़ने पे निर्भर करती है। जब मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे तभी सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी। यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ का दाम 10 रुपये है और वो अचानक से 100 हो गया, तब अचानक से सरकार इस तरह के फैसले लेगी कि इसको 1000 क्विंटल से ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं कर सकता या 10,000 क्विंटल से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। अगर ऐसा स्टॉक उस समय कर लिया जाता है तो कालाबाजारी होने का खतरा बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये काम होगा। स्टॉक होल्डिंग सीमा से छूट किसी भी कृषि उपज के प्रोसेस और मूल्य श्रृंखला, प्रतिभागियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आदि क्षेत्रों से भी
संबंध रखती होंगी, यानी कि इन सारी संस्थाओं पे भी डिपेंड करेगा कि किसी चीज़ को स्टॉक किया जाएगा या नहीं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया है उसकी ज़रूरत क्यों थी। पहले हमें इसके लिए ये समझना होगा कि 1955 में ये कानून आया क्यों था। 1955 में ये कानून ऐसे समय में आया था जब भारत बहुत ज़्यादा खाद्य उत्पादन नहीं करता था, भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी और भारत में खाद्य पदार्थ बहुत कम थे, हम लोग आयात पर निर्भर करते थे। देश की आबादी को खिलाने के लिए जो आयात किया जाता था उसमें PL 480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो हम लोग आयात पर निर्भर करते थे। और अगर ऐसे में किसी भी खाद्य पदार्थ को स्टॉक कर लिया जाए और उस पर पाबंदी ना हो तो जमाखोरी कालाबाजारी बढ़ जाएगी और भूख और भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। हमारे उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार उस टाइम के कंपैरिजन में आज गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ चुका है। 1955-56 में 10 मिलियन टन अनाज होता था जो कि 2018-19 में 100 मिलियन टन से भी अधिक हो चुका है। इसी तरह चावल और दालों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। चावल 4 गुना अधिक होने लग गया है जो कि 25 मिलियन टन से 110 मिलियन टन हो गया है और दालों का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ गया है। और आज भारत निर्यात की स्थिति में है। जब भारत निर्यात की स्थिति में है तो हमें जो ज़रूरत है उन चीज़ों को स्टॉक को होल्ड करके और उनको मतलब एक ऐसे संस्थान में रखने की जहां वो ख़राब ना हो, यानी कि हमें गोदामों की ज़रूरत है, हमें प्रसंस्करण बिल्डिंग की ज़रूरत है, हमें कोल्ड स्टोर्स की ज़रूरत है। तो आज हमारी ज़रूरतें चेंज हो चुकी हैं, इसलिए संशोधन की आवश्यकता थी। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। कथन दो, अधिनियम राज्य सरकार को अनुसूची में एक वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियां देता है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 राज्य सरकार को अनुसूची में एक वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियां देता है, उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें आपको बताना था कि कथन सत्य कौन सा है, यानी कि अनंत पाल द्वितीय जो कि तोमर वंश से थे, 11वीं शताब्दी के राजा जो कि दिल्ली को बसाने वाले थे, उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन एक और दो है, पहला दूसरा कथन दोनों सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। ये 10वीं शताब्दी नहीं, दिल्ली का सर्वाधिक प्राचीन किला लाल कोट जिसे तोमर शासक अनंतपाल द्वितीय ने बनवाया था, इन्होंने इसको 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये इसका सही जवाब है कि इसको इन्होंने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.